जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं ट्रस्ट का। अगर लास्ट टाइम वो क्लास में करवाए तुम, अगर वो सही नहीं हुआ तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक क्वेश्चन है आपके पास, तो ट्रस्ट का इस दर आपके पास 3 पिन लगे हुए और एक आपके पास पॉइंट लोड 800 पाउंड। तो अगर आपके पास सवाल आ जाता कि 20 मिन सी वाई निकाले, सी वाई का क्या मतलब है आपके पास कि यहाँ पे जो वर्टिकल आपके पास अननोन रिएक्शन है वो निकाले, तो आपके पास क्या किस तरीके से हम ये रिएक्शन निकाल सकते हैं। जी फहद अली आवाज आ रही मेरी आपको? जी बताएं किस तरह रिएक्शन निकालेंगे सिवाय। हेलो, सर आवाज आ रही है? नहीं जी सर, पहले आपके बार बड़ी कट कट के आ रही है। चले हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, सही ना। अगर हम इसकी डिटरमिनेशन निकालने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि आपके पास ये ट्रस्ट के लिए फार्मूला होता है, या आपके लिए ट्रस्ट के लिए फार्मूला होता है B+R-2J। तो अगर हम देखते हैं आपके पास बी कितना होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हमारे पास है 1, 2, 3 और आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके पास कितने हैं, 6, 3, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे, तो टोटल 6 रिएक्शंस हो गए आपके पास। अगर हम जॉइंट्स की बात करते तो हमारे पास टोटल इधर 4 जॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 ना। गूगल के सर जी, क्रोम के वापस साथ लॉग इन सब वापस वापस रहे जीमेल पल चुको मागा यो जीमेल वा मैं पासवर्ड सो वापस रहे। हेलो तो हमारे पास टोटल 4 जॉइंट्स हैं, तो अगर हम इसके इंडिटरमिनेंट निकाले तो हमारे पास 1 आएगी, ये ना 9-8=1। इसके आगे सबको समझ किस तरह इंडिटरमिनेंट निकाले इसके। यस सर, अब हमारे यस सर, पास जो अब ये 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इसका मतलब है इसका हम क्या कहते हैं वन इंडेंट इसके मतलब इसको हम आम बाय ज्वाइंट मेथड या बाय उस मेथड से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या कहते हैं फोर्स मेथड यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं कि भी हम किसी को भी ले सकते हैं। अब हमने इसको डिटरमिनेंट बनाना है। इस दफा हमारे पास डिटरमिनेसी के लिए हम ये भी कर सकते कि इसका कोई एक मेंबर काट कर लें, इसलिए हमने पिछला सवाल किया था, मतलब क्योंकि उन्होंने सी वाई पूछा है, सी वाई मांगा है, तो हम डायरेक्ट जो ना सी वाई को एज ए रिडंडेंट ले लेते हैं। इस दफा क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो इनडिटरमिनेसी वो इसकी बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस आ रही, 6 रिएक्शंस है, सिर्फ 3 आपके पास मेंबर्स हैं, तो अगर हम रिएक्शंस को काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये एक आसान हो जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम इसको डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं सी को हमने रोलर बना दिया, इसको जब हमने रोलर बनाया तो आपके पास ये लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो जाहिर बात है ये रोलर जो एक मिनट तो आपके पास क्योंकि जारी बात है कि
आपके पास रोलर का जो काम होता है वो आपके पास सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट को रिसिस्ट करता है, इसमें सिर्फ आपके पास इस डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन आएगा और इस डायरेक्शन में आपके पास ये मूवमेंट को रिसिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आपके पास जब लोड डालेगा डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड मूव होगा, सही है ना। तो ये डाउनवर्ड मूव होगा, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा सी एक्स। इसके आगे सबको समझ किस तरह आई आपके पास? सिंपल है। उसके बाद स्टेप होता है अप्लाई रिडंडेंट, कि जो हमने सी वाई निकाला था उसको वापस अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना, जब सी वाई हम उसको वापस अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये अपवर्ड मूव हो जाएगा सीन। तो उसको हम नाम डाल देते डेल्टा सी वाई प्राइम का नाम देते हैं। तो आपके पास जो लोड था वो इसको डाउनवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा था, और जबकि आपके पास जो रिएक्शन है इसको अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो आपके पास ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर के इक्वल हो जाएगा, कि आपके पास इसका कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर में मूवमेंट जीरो है आपके पास। इसमें आपके पास ये वाला जो है ये लोड की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट और ये रिएक्शन जैसे अपवर्ड मूवमेंट है। अब हमारे पास क्योंकि इसका वजह से आपके पास जो डेल्टा सी वाई की वजह से आपके पास अपवर्ड मूवमेंट है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम अप्लाई यूनिट रिटर्न करेंगे। किसकी जगह हम वन यूनिट फोर्स लगाते हैं, जब हम यूनिट फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर तो आपके पास इसको जो अपवर्ड मूवमेंट इसको हम एफ सी वाई का नाम देते। तो एक अगर वन यूनिट की वजह से आपके पास एफ सी वाई मूवमेंट आ रही है तो क्या कहते हैं सी वाई की वजह से मूवमेंट वो क्या होगी, वो सी वाई इंटू एफ सी वाई हो जाएगा। ये ना, तो हम उसी को इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब मुझे बताएंगे अगर इस इक्वेशन में हम एफ सी वाई और डेल्टा सी वाई निकाल ले तो क्या हम सी वाई आ जाएगा हमारे पास? यस सर। यहाँ पे यहाँ तक उसी तरह के जिस तरह हमने पिछले सारे ये सिंपल ये सही ना, जिस तरह पिछले सारे सवाल किए थे यहाँ तक उसी तरह। अब इसमें सबसे पहले हम डेल्टा सी वाई निकालते हैं। डेल्टा सी वाई अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में डेल्टा सी वाई आ रहा था, तो हम डेल्टा सी वाई को यहाँ पे अलग से बनाने के उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो एन एन एल डिवाइड बाई ए यूज करेंगे। हमारे पास वर्चुअल वर्क मेथड से आया है, सही ना। तो वर्चुअल वर्क मेथड का हम फार्मूला यूज करेंगे। इसमें जो कैपिटल एन होता है आपके पास ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें डेल्टा सी वाई आ रहा है, और स्मॉल एन जो है आपके पास वर्चुअल वर्क डायग्राम का है, और एल जो है आपके पास लेंथ होती है। खुरम नवाज खान आवाज आ रही है आपको मेरी? एब्सेंट है खुरम। किफायतुल्ला खान एब्सेंट। मोइज यूनस एब्सेंट। मुदस्सिर यस सर। हाँ जी, बाकी सारे एब्सेंट उनको कह देना लगा के सो जाते हैं ना। मुदस्सिर आप बताओ कि इसमें कैपिटल एन क्या चीज है? सर मैं मोइज हूँ जी। मोइज मोइज सर जी बताओ ये कैपिटल एन क्या है? सर ये एक्चुअल फोर्स है। एक्चुअल मेंबर फोर्सेस इन मेंबर फोर्सेस इन एक्चुअल डायग्राम। यस सर। कि आप म्यूट हो जाओ। मोहम्मद साले। यस सर। आप मुझे ये बताएं कि ये वर्चुअल वर्ड डायग्राम के दो स्टेप्स क्या हैं? वर्चुअल वर्ड का ड्राइव सर कौन से? ये क्या हो क्या कह रहे हो सर? क्या बताऊं समझ नहीं आ रहा। वर्चुअल वर्ड डायग्राम बनाना आता है आपको? यस सर आता है। उसके दो स्टेप्स थे।
सर लोडिंग में जाके जिसकी जगह जिस जगह पे डिफ्लेक्शन वगैरह या रिएक्शन फाइंड करना हो ना उधर वन यूनिट लोड लगा देते हैं। वेरी गुड। अच्छा तो हमारे पास ये होते हैं कैपिटल एन एक्चुअल डायग्राम में आता है और ये स्मॉल एन वर्चुअल डायग्राम एल लेंथ होती है, इसका जो सबमिशन होता है ना आपके पास वो उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसका जो मेंबर फोर्सेज होंगे उसको हम कैपिटल एन का नाम देंगे। तो हम पहले कैपिटल एन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि क्योंकि आपके पास हम इसके डायरेक्ट रिएक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि टोटल पाँच रिएक्शन है, तो हम सिग्मा एफ या एफ एक्स करेंगे तो उससे तो ये नहीं निकलेगा। अगर हमें ये पता है कि ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास टोटल फाइव रिएक्शन है और थ्री मेंबर्स है, क्योंकि इसमें हम जॉइंट्स को भी ले सकते हैं तो वहाँ से भी इक्वेशन बना सकते हैं, इसलिए हम ये है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम जॉइंट सी अगर ले लेते हैं तो जॉइंट सी में आपके पास एक सी एक्स लग रहा है और एक एफ सी डी लग रहा है। तो अब हमारे पास ये जो लेंथ है ना आपके पास, इसको मैं जरा यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। आपके पास ये लेंथ ही ये लेंथ है आपके पास 4 फीट, ये आपके पास है 3 फीट और ये पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास 5 फीट आ जाएगी। जी सर, सी पे तो हमने सी वाई नहीं ली थी जो वर्टिकल मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने सी वाई फोर्स ली थी, सी एक्स तो नहीं सर ली थी पीछे सर स्टार्टिंग में। नहीं वो जो हम स्टार्टिंग में लिया था वो सी वाई डिफ्लेक्शन थी, आप जो डिफ्लेक्शन आ रही थी ना, क्योंकि अब रोलर है ये तो ऊपर नीचे तो मूव कर सकता है ना, तो आपके पास जो ये इस तरह डिफ्लेक्शन होगी और रिएक्शन जो ना इसका वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपके पास इस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता। जिस डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट रेजिस्ट हो जाती है ना तो उसी डायरेक्शन में आपके तो वो डेल्टा सी सी एक्स सी वाई लिखा था जो आपके पास वो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है उसके रोलर की वजह से। रिएक्शन हाँ इसमें आएगा क्योंकि ओरिजिनल तो ये पिन लगा हुआ था, ये तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, इसको खुद ही हमने डिटरमिनेंट बनाया, इसका सिर्फ ये वाला रिएक्शन रह जाएगा सी एक्स वाला, क्योंकि आपके पास ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता बट की वर्टिकली मूव कर सकता है। ठीक है सर। हाँ तो हम अगर क्योंकि हमने जब पॉइंट जॉइंट सी लेंगे तो जॉइंट सी में हमारे पास एक सी एक्स लग रहा है और ये आपके पास एफ सी डी लग रहा है, तो एफ सी डी क्योंकि आपके पास इंक्लाइन फोर्स है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये अगर ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एफ सी डी है, सही है ना, तो हमारे पास ये वाली लेंथ जो है वो 4 फीट है, ये वाली 4 है हमारे पास और ये हमारे पास 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास 5 आ जाएगी, ये ना। तो आपके पास जो इसका वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये ना एफ सी डी एक्स वो आपके पास होगा 4/5 4/5 इनटू, क्योंकि वो किसकी इक्वल होता है, वो आता है आपके पास अगर हम ये थीटा लेते हैं वो होता है आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये आपके पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस 4 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या हो जाता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम डायरेक्ट एफ सी एक्स को जो ना जो एक्स कॉम्पोनेंट है एफ सी डी एक्स उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4/5 से और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है इसको हम 3/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ जाएगा। यहाँ तक सबको आ गया समझ? हेलो यस सर। सर दोबारा सर थोड़ा सा रिपीट कर दे, समझ नहीं है ऐसे। ये देखें हमारे पास ये एक एफसीडी का ये वाला कॉम्पोनेंट आ रहा है डाउनवर्ड जा रही है ना, तो अब इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होगा आपके पास, अब हम इस ट्रायंगल को अगर देखते हैं तो हमारे पास ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपके पास है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की आपके पास लेंथ है 5 फीट, सही है ना, हाइट आपके पास है 3 फीट और बेस आपके पास 4 फीट, तो आपके पास जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब एफ सी डी इंटू 4/5,
और अगर इसका हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो होगा 3/hypotenuse, तो ये ना आपके पास साइन थीटा के इक्वल होगा, सिंपल जो आपने पहले पढ़ चुके। आगे समझ? जी जी सर आगे। तो हमारे पास हमने जॉइंट सी को लिया, तो जॉइंट सी में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सी एक्स लग रहा है और ये इनक्लाइंड एफ सी डी लग रहा है, इसको हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो हम सबसे पहले एफ सी वाई अगर लेते सिग्मा एफ वाई, अब हमारे पास दो ऑप्शन है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई। ले सिग्मा एफ एक्स हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें हमारे पास दो अननोन्स हैं, ये भी अननोन है और हमारे पास ये भी अननोन है। अगर वाई में लेते हैं देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है, वो ये है, सही है ना। तो हम आवाज नहीं आ रहा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? यस सर। आवाज आ रही अब? यस सर। जी सर जी। सही साफ आ रही आवाज? यस सर साफ आ रही। यस सर। अब आ रही है। अच्छा अब हमने क्या कहते हैं हमारे पास 3/5 इसे आपके पास है F. हमारे पास इसे एफ सी डी जो नंबर जीरो की कुल आ गया। अब हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो ऐसे हम क्योंकि एफ सी डी हमारे पास जीरो आ गया, तो जब हम सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास सी एक्स भी जीरो की कुल आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे आपके पास सी एक्स भी जीरो आ गया और एफ सी डी भी जीरो आ गया आपके पास। फिर हम क्या करते हैं कि अब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर में ए पे मूवमेंट ले लेते हैं। जब ए पे हमने मूवमेंट लिया तो आपके पास आ जाएगा बी एक्स इंटू थ्री, सही है ना। अभी क्लॉक वाइज घूम रहा है, सही है ना, ये डिस्टेंस भी आपके पास थ्री था, क्लॉक वाइज बी एक्स इंटू थ्री, फिर प्लस अब सी एक्स जीरो आ गया, इसकी वजह से मूवमेंट जीरो आएगा आपके पास, प्लस फिर 800 है, उसकी वजह से भी क्लॉक वाइज आ रहा है, और इसके पास ओरिजिनल डिस्टेंस आपके पास 4 feet है, 800 × 2, 800 × 4। तो इससे आपके पास जो है ना वो सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी बी एक्स की वैल्यू आ गई, सही है ना। इसी तरह हमारे पास अब क्या रह गया, ये एक्स निकालना, इसके लिए हमने सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिया, सही है ना। तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो सी एक्स तो वैसे भी जीरो है, सही है ना, और कोई भी एक्स पे नहीं है, सिर्फ बी एक्स है, तो बी एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा सिंपल, सिर्फ वापस इन डायरेक्शन होगा, तो ये एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो हमारे पास ये एक्स भी आ गया, बी एक्स भी आ गया, सी एक्स भी आ गया, असल में हमने मेंबर फोर्स, इस मेंबर फोर्स, ये मेंबर फोर्स हमारे पास जीरो है। तो हम क्या ले लेते हैं कि जॉइंट बी ले लेते हैं, कि जॉइंट बी में हमारे पास सिर्फ अब दो अननोन रह गए, एक बी वाई अननोन रह गया और एक ये वाला मेंबर, सही है ना। फिर हम जब जॉइंट बी लेंगे तो हमारे पास ये ओरिजिनल कॉम्पोनेंट आ गया था माइनस बी एक्स माइनस 106.6, तो उसको मैंने इस डायरेक्शन में लिख लिया, वर्टिकल पी वाई और इधर एफ बी डी है। तो हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेते तो हमारे पास ये डायरेक्टली जो ना वो इसकी इक्वल आ जाएगी, ये वाला कॉम्पोनेंट, सही है ना। बी वाई जीरो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्टली ये भी जीरो की इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये मतलब ये आ गया। अब हम ले लेते अब हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो ये भी आ गया,
और ये भी आ गया हमारे पास, ये वाला रह गया, तो इससे हम जॉइंट ए ले लेते हैं। जॉइंट ए जब लेंगे हमारे पास जॉइंट ए लेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, ए पे हम, ये हमारे पास जॉइंट ए सही है ना, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स लग रहा है जिसकी वैल्यू 106.67 आई थी, और वर्टिकल ए वाई लग रहा था, और ये वाला कंपोनेंट लग रहा है। तो एफ ए डी इधर उसको भी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके पास ए वाई आ रहा और यहाँ पे 106.67 आ रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी किस डायरेक्शन में कम अननोन है। अगर हम वर्टिकल देखते हैं तो हमारे पास दो अननोन आ रहे हैं, एक आपके पास ये वाला भी आ रहा और ये भी आ रहा। अगर हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन आ रहा है, वही है। तो इसलिए हम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो हमारे पास 106.67 प्लस एफ ए डी एक्स कॉम्पोनेंट है, तो इसका मतलब ये 4/5 होगा, सही है। ये देखो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, तो आप 4/5 हो जाएगा। तो आपके पास जब 4/5 है तो इसलिए आपके पास 106.67 प्लस एफ ई डी इंटू 4/5 इज इक्वल टू जीरो, इससे आपके पास एफ ई डी आ जाएगा। हमारे पास वो है -133.37। तो हमारे पास कैपिटल एन आप सारे आ गए, सेम तो हम एक टेबल सा बना लेते हैं सीन, जिसमें हम मेंबर्स कैपिटल एन स्मॉल एन एल और एन एन एल ले लेते हैं। इससे आपके पास तो हमारे पास हमने कैपिटल एन निकाल लिया, तो ए डी हमारे पास 133.37 आया, बी डी आया 106.67, और सी डी हमारे पास 0 है। लेंथ ये 5, 4 और 5। अब हमारे पास स्मॉल एन की बारी रह गया। स्मॉल एन के लिए हम इसका वर्चुअल वर्ड डायग्राम बनाएंगे। वर्चुअल वर्ड डायग्राम के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसी डायग्राम को विदाउट लोडिंग बनाते हैं। हमने उसी डायग्राम को विदाउट लोडिंग बनाया, यानी हमारे पास जो यहाँ पे 800 आ रहा था उसको हमने निकलेक्ट कर दिया। फिर जहाँ पे डिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ पे हमें यूनिट लोड लगाते हैं, तो हमने डिफ्लेक्शन जो हमें चाहिए तो वो यहाँ पे चाहिए डेल्टा सी वाई की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूनिट लोड लगा दिया। तो इसका भी उसी तरीका से जिस तरह हमने पिछले कैपिटल आने के लिए जो मेम्बर्स निकाले हैं, तो वो इसी इसका भी उसी तरीके के। सबसे पहले हमने जॉइंट सी ले लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो एफ एक्स में आपके पास 3 अननोन आ रहे हैं, सही है ना। और अगर हम सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो उसमें भी हमारे पास 1, 2 अननोन आ रहे हैं, तो वो भी मुमकिन नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम क्या कहते हैं जॉइंट है यहाँ पे सिर्फ 2 अननोन बताएं। जी शहजाद रजा। यस सर। हाँ मुझे बताओ कौन से जॉइंट पे आपके पास सिर्फ 2 अननोन है। सी पे अगर हम लोग देखो ना, सी पे आपके पास सिर्फ सी एक्स और एफ सी डी है। अगर हम बी की बात करते तो इसमें भी 3 अननोन, ए पे भी 3 अननोन है ना, तो इसलिए हम जॉइंट डी पे भी 3 अननोन है, सही है ना। तो हम पहले सी से शुरू करते हैं, सही है ना। तो सी में हमारे पास सी एक्स है और यहाँ पे एफ सी डी है, सही है ना, और यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स भी लग रही है यूनिट लोड। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसमें भी देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारे पास एक अननोन है। पहले हम 2 अननोन के लिए देखते हैं, क्योंकि इसके हर जॉइंट में आप सिर्फ 2 इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो हम 2 अननोन वाला लेंगे। तो हमारे पास सी आ गया। अब सी में भी 2 ऑप्शन है, सिग्मा एफ एक्स लें या सिग्मा एफ वाई लें। तो उसके लिए फिर हम, क्योंकि एक इक्वेशन हो जाएगी, फिर हम एक अननोन देखेंगे। तो अगर सिग्मा एफ एक्स लेते तो हमारे पास 2 अननोन है यहाँ पे, ये भी अननोन है और ये भी अननोन। अगर हम सिग्मा एफ आई की बात करते तो यहाँ पे सिर्फ ये अननोन। तो इसलिए हम क्या कहते हैं जॉइंट सी ले लेते हैं। जॉइंट सी में सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 - FCD y। y कंपोनेंट क्या होता है, 3/5 होता है, तो इससे आपके पास एफ सी
डी आ गया आपके पास। अब हमारे अब हम जो है क्या कहते हैं, जब हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आ गया तो हम ए पे मूवमेंट लेके बाकी दो रिएक्शंस लेके फिर अभी भी हम ना जॉइंट बी और ए नहीं ले सकते क्योंकि इस पे हमारे पास स्टिल तीन तीन अनोन्स है। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालने चाहिए, रिएक्शंस निकालने चाहिए। तो रिएक्शंस के लिए क्योंकि पहले हम एक्स में नहीं ले सकता था तो मैंने अब मैं ले सकता हूँ ए पे मूवमेंट लेके बी एक्स निकाल सकता हूँ। फिर ए पे मूवमेंट लूँगा तो बी एक्स इंटू थ्री आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास सी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके हम सी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सी एक्स के हमारे पास आई है माइनस वन डबल थ्री। तो इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा तो इसका मतलब इसके हिसाब अब एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट आएगा। तो जॉइंट सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो किया तो बी एक्स इंटू थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इससे आपके पास अब बी एक्स की वैल्यू आ गया। अब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके हमारे पास क्योंकि ए एक्स हमारे पास एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ये भी आ गया बी एक्स भी आ गया तो हम बी वाई भी निकाल सकते हैं। तो हमने सिंपल सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करके ए एक्स निकाल लिया। फिर हम लेते हैं जॉइंट बी। इन जॉइंट बी में हमारे पास क्या कहते हैं ये वाला जॉइंट बी है, जॉइंट बी में हमारे पास क्या कहते हैं अब इस बी एक्स की वैल्यू आ गई तो हमारे पास बी वाई अननोन है सिम और एक एफ बी डी अननोन। तो हम बी एफ सिग्मा फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे तो बी वाई इक्वल टू जीरो आ गया, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये इसके सिंपल इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये माइनस 2.67 आ जाएगा। फिर हम जॉइंट ए ले लेते हैं, जॉइंट ए में आपके पास ये 1.34 रिएक्शन लग रहा है, ए वाई अननोन है और एफ ए डी अननोन है तो हमारे पास माइनस 1.35 आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं एफ ई डी एक्स कॉम्पिनेंट 4/5 आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह हमारे पास एफ ई डी की वैल्यू आ जाएगी 1.675। यहाँ तक आ गई सबको समझ? यस सर। नहीं सिंपल हमने इसके जो है मेंबर फोर्सेस निकाल लिए। तो अभी हमारे पास कैपिटल एन भी आ गया, स्मॉल एन भी आ गया और एल भी आ गई। तो हम जब सिग्मा एन एन एल डिवाइड बाय ई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ये डेल्टा सी वाई आ जाएगा। इन सब को हमने क्या कर देना, सम कर देना, सबको हमने सम करके यहाँ पे लिखा तो हमारे पास डेल्टा सी वाई आ गया सी है ना, तो ये माइनस में आ गया क्योंकि हमारे पास यहाँ इनका समीकरण कर तो माइनस में आता है। फिर हम अभी क्या कहते हैं ये तो हमारे पास डेल्टा सी वाई आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला था उसमें हमने दो चीज़ें निकालनी थी, डेल्टा सी वाई भी निकालना था और एफ सी वाई भी निकालना, तब जाके आता। तो एफ सी वाई के लिए एक तो हम ये कि डायरेक्ट फार्मूला अगर ये यूज़ कर सकते हैं, सही है ना, एन स्क्वायर एल डिवाइड बाई ई। उसकी वजह क्या होती है कि अगर हम एफ सी वाई की मैं वो देख लेते हैं ये वो आपके पास एफ सी वाई वाला, तो इसका अगर वर्चुअल वाला डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यही डायग्राम बनेगी क्योंकि हमने पहले ये लोड हटा देना है फिर हमें डिफ्लेक्शन भी इतनी चाहिए तो यहीं पे यूनिट लोड लगेगा। तो यानी कैपिटल एन और स्मॉल एन बराबर होगा इसका। और अगर हम इसका जो अभी हमने किया उसका वर्चुअल वर्ड डायग्राम देखते हैं वो भी यही है सेम। तो इसका मतलब कैपिटल स्मॉल एन जो है वो एफ सी वाई के लिए कैपिटल एन और स्मॉल एन के इक्वल है। तो इसलिए हम डेल्टा एन स्क्वेयर एल जो है ना डिवाइड बाई ए ई ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एफ सी वाई। इस बात की आइए समझ, हमने पहले भी यूज़ किया था। स्मॉल एन जो है सर, स्मॉल एन जो है वो रिएक्शन फोर्सेस है, मेंबर फोर्सेस है ऑफ वर्चुअल वर्ड डायग्राम, ठीक है सर। अगर हम एफ सी वाई को देखते हैं ना तो एफ सी वाई के लिए फॉर एग्जांपल एफ सी वाई इसमें आता है, सॉरी इधर आता है, तो एफ सी वाई ये वाला है आपके पास। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसको, अगर हम ये हमारे पास इससे जो वैल्यूज आएगी उसको हम कैपिटल एन नाम देंगे, ये एक्चुअल डायग्राम। अगर इसको हम वर्चुअल वर्ड डायग्राम बनाना जी
अगर हम इसका वर्चुअल वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी यही होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वर्चुअल वेन डायग्राम की दो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम लोड हटा देते हैं, हमने लोड हटा दी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ पे यूनिट लोड लगा लो। अब हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे चाहिए, इसलिए हमें भी यूनिट लोड भी यहीं पे लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कैपिटल एन और स्मॉल एन क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो फार्मूला है एन एन एल डिवाइडेड बाई ए ई, इसमें अगर कैपिटल एन की जगह हम स्मॉल एन डालें तो एन स्क्वायर एल हो जाएगा। अब उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी जो इस वाले डायग्राम के लिए स्मॉल एन देखते हैं हम, वो ये है, ये भी उसी डायग्राम की तरह, यहाँ पर भी सब यहाँ पर यूनिट लोड लगा और कुछ नहीं है एफ सी वाई वाली का, जिसका मतलब ये कैप ये स्मॉल एन डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तो आप सिंपल हर सवाल में ऐसे ही होता है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे एक एन स्क्वेयर एल का भी कॉलम ऐड करके एफ सी वाई निकाल सकते हैं। तो हमने इसके भी सिंपल क्या कर देना, इन सबको ऐड कर देना, ऐड किया तो सर अगर हमने कोई सर अगर क्वेश्चन में कोई भी फोर्स आ जाए जिस तरह यहाँ पे सी वाई था, तो उसके अलावा जो भी आते तो फार्मूला यही रहेगा एन एन एल वाला डिवाइड बाय ए। क्या क्या आ जाए अगर सर अगर क्वेश्चन में कोई भी और भी फोर्स आ जाए, मतलब ये सी वाई थे तो इसके जगह कोई और फोर्स आ जाए तो फार्मूला यही यूज करेंगे। सर मैं ना और कोई आ भी नहीं सकता, फॉर एग्जांपल आपने ए को रोलर बना दिया, सही है ना, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, सही है ना। आप देखो जब आप जो जो रिडंडेंट हटाते हो, हमने यहाँ से सी वाई हटाया, सही है ना, तो सी वाई पे डिफ्लेक्शन आती है, सही है ना। और फिर आप लगाते क्या हो, अप्लाई यूनिट रिडंडेंट लगाते हो, वो भी सी पे ही लगाते हो, ये ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बी वाला रोलर बनाता, सही है ना, जब बी पे रोलर बनाता तो हमारे पास डिफ्लेक्शन भी बी पे आती ना, ये वाले तो ना आती, फिर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा बी बी वाई आता, फिर हम जो हमने क्योंकि हमने बी वाई बी जो ये वाला कंपोनेंट है ये रिमूव किया था, फिर आप जब यूनिट रिडंडेंट लगाएंगे वो भी यहीं पे लगाओ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हर सवाल में ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाता है, ये नहीं है कि आप अगर कोई और आ गया तो उसमें नहीं होगा। आप देखना जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली जो ना ये फार्मूला खुद ही एडजस्ट हो रहा होगा, हर जगह पे यही फार्मूला ही होगा। तो वैसे अगर मतलब ये तो कॉन्सेप्चुअल वाइज बता रहा हूँ ना कि आप वहाँ पे सवाल में अगर आप देख भी लेना ना तो आप खुद ही नजर आ जाएगा कि यार इसका कैपिटल एन स्मॉल एन ये ना इक्वल आ रहा है, सही नहीं, हर सवाल में, क्योंकि जहाँ पे आप रिडंडेंट लेते हो वहीं पे डिफ्लेक्शन भी आती है, सही ना, और वहीं पे आपके पास आप वहीं पे यूनिट रिडंडेंट लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल एन और कैपिटल एन इक्वल हो जाते हैं। तो हमने इसको सम करेंगे तो आपके पास 56.31 आ जाएगा, सीएफआई के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमने दोनों इस इक्वेशन में पुट किया, ये यही कट जाएगा तो हमारे पास सी वाई की वैल्यू होगी। यहाँ तक आ गई सबको समझ, इस सवाल में किसी को मसला, ये क्लास में करवा रहे तो हमसे शायद नहीं हो रहा था, सही है ना। ट्रस्ट के अब मैंने आपको दो सवाल करवा लिए हैं, सही ना, एक मैंने मेंबर को काट के आप करवाया और एक मैंने ना रिएक्शन को कम करके करवाया। तो हमने बीम्स भी कर लिए, फ्रेम भी कर लिया और ट्रसेस भी कर लिए। फ्रेम और ट्रस में हम सिर्फ वन रिडंडेंट तक जाएंगे, सही है ना, एक से ज़्यादा रिडंडेंट नहीं लेंगे, और मतलब इंडिटरमिनेंट बाई वन डिग्री होगा। हाँ बीम में ज़्यादा हो सकते हैं, बीम और ट्रस और फ्रेम में अगर बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस वो डिफ्लेक्शन निकालने का तरीका है कि बीम में आपके पास डिफ्लेक्शन हम टेबल से निकालते हैं, और फ्रेम में अगर बात करें तो हम डिफ्लेक्शन जो है ना बाई वर्चुअल वर्क मेथड करते हैं, और ट्रस में भी वर्चुअल वर्क। ये सारे मैंने अब लोड कर लिए तो इंशाल्लाह अब हम थोड़ा सा स्लो डिफ्लेक्शन नजर आ रही है सर। अच्छा अभी तक हमने जो पढ़ा था वो बड़ा क्लासिकल मतलब पुराना मेथड हमने पढ़ा है, उसको हम कहते हैं फोर्स मेथड। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है, क्या कहते हैं, ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। हमने मैंने आपको जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें आपने असाइनमेंट भी जब मैं करवानी है उसके लिए
फोर्स मेथड की जो मैंने असाइनमेंट दिया, दो असाइनमेंट्स हो जाएंगे और एक क्विज हो जाएगा, वो हो गया आपका। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये खुरू नवाज क्या मसला है, सर असाइनमेंट टू आपने अपलोड कर दी है? बहुत पहले की अपलोड होगी, उसको एक हफ्ते हो गया। अच्छा ठीक है सर। अब हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक और मेथड है किसी भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को मैं आपके पास क्या कहते हैं रिएक्शंस वगैरह निकालना। ये कंपेरेटिवली वगैरह आसान मेथड है आपके पास। इसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड या आपके पास डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। तो इसमें आपके पास टोटल थ्री डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ना, इसमें हमारे पास तीन टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, एक होता है आपके पास मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आपके पास एक होता है डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड। ये आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इंशाल्लाह 8th सेमेस्टर। और अभी ये जो दो है ना आपके कोर्स, ये जो ये आपके ई कोर्स का हिस्सा है। तो हमारा जो है ना सबसे पहले स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद। अच्छा, ये इन मेथड्स पढ़ने से पहले एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, वो है हमारे पास कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या कहते हैं, रेफर टू दी डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फ्रीडम की डिस्प्लेसमेंट है। सही है, कोई भी पॉइंट होता है ना आपके पास, सही ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बीम है, तो उसमें ना किसी भी पॉइंट पे दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट्स आ सकती हैं। मैंने पहले भी एक दो आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट की आपके पास दो टाइप होती है, याद है किसी को कौन सी है? जी किसी को भी याद हो डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से टाइप की है? मोहम्मद तुफैल, नहीं याद? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मतलब ये सबको पता भी है, ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, यानी इसको आप डेल्टा भी कह सकते हैं जो आप निकालते हैं, और एक हम कहते हैं रोटेशन। या आप इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको हम थीटा भी कहते हैं। लेकिन तो आपके पास बेसिक दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट होती है, किसी भी कोई भी पॉइंट है ना वो दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, या तो वो डिफ्लेक्शन दे डेल्टा दे, या तो फिर वो आपके पास रोटेशन दे लेकिन थीटा दे। तो ये जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस डिग्री पे वो मूव कर सकता है। कोई पॉइंट ऐसा होगा कि वो उसकी डिग्री फ्रीडम वन होगी, सही है ना, जिसमें सिर्फ डेल्टा आ सकता होगा। कोई ऐसे भी पॉइंट होंगे जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या कहते हैं वो वन होगी, जिसमें सिर्फ रोटेशन आ सकती है। कोई ऐसे भी पॉइंट हो जिसमें जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ना उस पर डेल्टा आएगा ना थीटा आ सकता है। और कोई ऐसे भी पॉइंट हो जिसमें दोनों टाइप की टू डिग्री होगी, यानी उसमें डेल्टा भी आ सकता है और डिफ्लेक्शन भी आ सकता है और रोटेशन भी आ सकता है। तो इस चीज़ के आगे सबको समझ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार रिपीट कर दें। इसी चीज़ को आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, सही है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैं एक बीम बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बीम है,
सेम यहाँ पे आपके पास पिन लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास पोर्टल लगा हुआ है। अब ये इसकी कोई डिफ्लेक्शन इस तरह आएगी, सही है ना। अब इसके हर पॉइंट पे ना अगर हम देखते हैं तो इसका हर पॉइंट पे ना कहते आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पॉइंट पे जो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आप मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक डेल्टा होता है एक थीटा। आप मुझे बताइए अगर ये पॉइंट वन जो है ये इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? जीरो है सर। यहाँ पे डिस्प्ले डेल्टा आर रोटेशन नहीं हो रही, नहीं तो फर्स्ट पॉइंट पे रोटेशन तो हो रही है, नहीं ये रोटेट तो कर सकता है, सही है ना, इन सपोर्ट रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास, वो है थीटा, सही है ना। यहाँ पे आपके पास डेल्टा जो नो क्या है वो जीरो की, इसकी डिग्री फ्रीडम क्या है वन। हर पॉइंट पे दो डिग्री फ्रीडम है, उसकी वैल्यू वन या जीरो हो सकती है। इसका जो आपके पास रोटेशन वाला कंपोनेंट है वो जीरो है और वर्टिकल जो रिफ्लेक्शन वाली उसका कंपोनेंट वो आ रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इधर कितने डिग्री फ्रीडम है? टू। हाँ, इधर हमारे पास डिफ्लेक्शन भी आ रही है और अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रोटेशन भी आ रही है आपके पास, थीटा भी आ रहा है, सही है ना। तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स है इधर आपके पास टू डिग्री फ्रीडम है, इधर भी हमारे पास वन डिग्री फ्रीडम है। तो वैसे है हर पॉइंट पे दो ही डिग्री फ्रीडम, इधर भी आपके पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डिग्री फ्रीडम है और इसकी वैल्यू क्या आपके पास जीरो की इक्वल है। तो हमारे पास इन शॉर्ट किसी भी पॉइंट पे जो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स है, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास रोटेशन भी आ जाती है और रिफ्लेक्शन भी आ जाती है, उसको हम कहते हैं डिग्री फ्रीडम। आगे सबको समझ? हेलो जी सर, आगे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन अगर आता है कि भी इस बीम का आप वो निकाले डिग्री फ्रीडम निकाले, तो इस बीम की क्या डिग्री फ्रीडम होगी? टू है ना सर। नहीं नहीं, तो टू तो नहीं है, ये तो टू तो सिर्फ इस पॉइंट का है, टू इस पॉइंट का भी है। अगर हम सबको प्लस करें तो ये तो इन्फिनिटी पॉइंट्स बनते हैं ना बीच में। जी सर, वो तो हमें पता नहीं है कितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे ना, इसको हम कहते हैं नोड्स। ये क्या हो रहा है? तो नोड्स है ना, हम तमाम नोड्स नहीं ले सकते, हम एक मिनट सर, आपकी आवाज कोई नहीं आ रही। मैं एक मिनट बात कर रहा हूं।
अब हमारे पास ये पॉइंट्स हम डिसाइड करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, कि भी किस किस पॉइंट पे हमें डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन निकालनी चाहिए, सही है ना, उसको हम नोड्स कहते हैं। हम हर पॉइंट पे नहीं निकालते, हम एक कोई खास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपके पास मतलब फ़ायदा हो उस पॉइंट पे डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन निकालने की, उसको हम नोड्स कहते हैं। तो वो हम पॉइंट्स जो है ना वो डिसाइड करते हैं, वो बेसिस कौन कौन से पॉइंट्स लेते हैं, हम जॉइंट्स लेते हैं, हम सपोर्ट्स लेते हैं, या भी किसी भी मेंबर का एंड पॉइंट हो, सही है ना, और अगर आपके पास कोई सडन चेंज इन द क्रॉस सेक्शन हो, सही है ना, तो हम ये वाली ये क्राइटेरिया हमारे पास, हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि भी किसी भी कौन कौन से पॉइंट पे हमने नोड्स लेने हैं। इस बात की आई समझ? जी सर आ गई है। हाँ, कि अब पहले तो मैंने जिसमें बताया कि अब भी किसी पॉइंट पे दो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन होती है, अब किसी बीम की अगर बात करें तो इसमें तो इन्फिनिटी डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन आती है, हर पॉइंट डिस्प्लेस कर रहा है, हर पॉइंट जो है ना वो रोटेट कर रहा है, तो हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स लेते हैं जो है ना, क्या कहते हैं उसके लिए, तो हमने क्या कहते हैं नोड्स लेते हैं, सपोर्ट नोड्स को उसको नोड्स कहते हैं, वो हम जॉइंट्स ले लेते हैं, मतलब कोई जॉइंट हो रहा कहीं पे सपोर्ट लगा हुआ उसको ले लेते हैं, कहाँ पे मेंबर एंड हो रहा है सेम उसको ले लेते हैं, और कहीं पे मेंबर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा, तो क्रॉस सेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है? ये आखिरी वाले स्टेप की समझ आई? क्रॉस सेक्शन के नहीं पता चला कि वो क्या होती है। अच्छा, आपको ना किसी बीम में पता नहीं लगेगा कि क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीम है, तो ये अब आपको पता नहीं लग रहा। फॉर एग्जांपल इस ये जो ये वाला हाफ है, इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है और इस हाफ का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, आपको पता नहीं, तो वो किस तरह पता लगता कि इन तीन आई वैल्यूज की होंगी? समझो इसकी जो आई वैल्यू आई वन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के बाद वो आई टू है, सही है ना, तो हमारे पास ये पॉइंट भी नोड हो जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना क्या होता है, ये क्यू बाय 12 होता है ना अगर रेक्टेंगुलर हो, ये तो पढ़ा होगा ना? यस सर। तो ये बीएच अगर चेंज हो तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन चेंज होगा ना? ये दो पेजेस इस तरह इसके साथ भी दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो आई वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो किसी भी पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है ना, अगर ट्रस की बात करें तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है ना, बी में हम ई आई चलता है, और ट्रस में हमारे पास ई ई चलता है। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं नोड्स कहते हैं, चलो अभी हम करते तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दो हमारे पास जो होता है ना कोई भी स्ट्रक्चर होता है, एक तो इंडिटरमिनेसी है ना बाय दी, इसी तरह हमारे पास कोई स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें हम बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो ये जिसमें अननोन थीटा और डेल्टा हो तो वो अननोन उसको हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो वो जो इंडिटरमिनेसी है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेटिक इंडिटरमिनेसी का नाम देते हैं, ठीक है ना, जो अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है सर, अननोन डिग्री फ्रीडम उसको हम काइनेटिक इंडिटरमिनेसी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इसमें इसकी बात करते हैं, अगर हम सुनने पर हमारे पास जो ए नंबर पे बीम है, तो अब बताएं इसमें
टोटल आपके पास नोड्स कितने बन रहे हैं? जी नोड्स मैंने कहा था जहाँ पे जॉइंट्स आ रहा हो, सपोर्ट्स आ रहा हो, प्रोसेक्शन एरिया चेंज हो रहा हो या एंड पॉइंट हो, तो यहाँ पे कितने नोड्स बन रहे हैं? हेलो वन टू नोड्स बन रहे हैं, टू बन रहे हैं। आपके पास दो सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, यही हमारे पास जॉइंट है, यही भी है, यही हमारे पास एंड पॉइंट भी है, ये सही ना, और कोई यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज वगैरह ये इस तरह कोई चक्कर नहीं, तो हमारे पास टू नोड्स बन रहे। अब हमारे पास हर नोड पे ना दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, सही है ना, तो हम देखते हैं कि भी इस नोड के बाद ये हमारे पास एक रोलर है, तो बताएं कि इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ सकती है? नो सर। तो ये वाला जो है हमारे पास ये तो जीरो है, अननोन है हमारे पास, नोन है हमारे पास की वैल्यू जीरो है। क्या यहाँ पे आपके पास तो रोटेशन आ सकती है? यस सर। उसको हम नाम दे देते थीटा ए का, सही है ना, इसकी वैल्यू में नहीं पता। हमारे पास अननोन है थीटा ए, इतनी पति ना डाला करो, ये हमारे पास अननोन पति इतनी डालते यार हैं, फ्री में नहीं आए, पैसों लिए। अच्छा अगर हम क्या कहते हैं ये दूसरे नोट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? टू। अच्छा इसमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है? जीरो सर। तो जीरो तो ये तो पता है ना इसकी वैल्यू, और यहाँ पे रोटेशन कितनी आ रही है? जीरो। सिक्स पे जीरो होती है तो वो भी हमें पता है, तो इसका मतलब है टोटल स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम है? वन। वो कौन सा है? मोमेंट ए थीटा, ए मोमेंट ए थीटा ना। अब हम पहले जब हम फोर्स और मूवमेंट्स की बात करते थे ना, शेयर फोर्स और मूवमेंट्स, हम बात कर रहे काइनेटिक इनडिटरमिनेसी में। काइनेटिक जो आपके पास होता है, एक होता है आपके पास स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, इसमें आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है शेयर फोर्स होती है, शेयर फोर्स होती है हम काउंट करते हैं, और मूवमेंट काउंट करते हैं, मूवमेंट अगर बीम की बात करते हैं, और एक होती काइनेटिक इनडिटरमिनेसी। इसमें हम देखते हैं भी इसको कहते हैं, इसमें हम क्या रोटेशन डिफ्लेक्शन, जैसे हम शेयर फोर्स की जगह डिफ्लेक्शन को शो वो करते हैं काउंट, और उसकी जगह रोटेशन, हम रोटेशन को काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिटरमिनेसी। तो अब हम पढ़ रहे काइनेटिक इंडिटरमिनेसी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सही है ना। तो हम देखेंगे भी किसी भी स्ट्रक्चर में कितने अननोन डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ना कि हम ये देखेंगे कि भी अननोन बाकी चीजें, सही है ना। तो हमने जाना क्या कहते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर में वन डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी है, आ गई इसकी समझ? यस सर। अब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। अब मुझे बताएं स्ट्रक्चर में कितने नोड्स हैं? तीन है सर। तीन नोड्स हमारे पास, एक ये ए है जो हमारे पास सपोर्ट है, ये टू है सपोर्ट है, और ये थ्री क्यों नोड लिया हमने? थ्री एंड मेंबर का एंड है, मेंबर का एंड है। अगर हम देखें नोड्स की जो डेफिनेशन, हमारे पास जॉइंट सपोर्ट्स एट द एंड ऑफ द मेंबर्स, और जहाँ पे आपके पास मेंबर का सडन चेंज ऑफ एरिया आ रहा, ये चार कैटेगरी भी नोड्स को
पॉइंट का रखने के लिए। तो इसमें हमारे पास 1, 2, 3 नोड्स आ रहे हैं, ये ना। तो अब हम देखते हैं कि इसके कनेक्टिक इंटरव्यू में से, अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट्स में निकालना। वैसे तो इसमें हर पॉइंट में डिग्री फ्रीडम निकाल सकते हैं, हर पॉइंट नोड बन सकता है, मगर हम उसमें से कैटेगरी निकाल लेते हैं भी सिर्फ ज्वाइंट सपोर्ट्स एंड एंड पॉइंट पे हम निकालें। तो अगर ए पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे कितने अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 1। कौन सा? रोटेशन थीटा ए, जो रोटेशन आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर डिफ्लेक्शन तो क्या है, वो जीरो है। अगर हम ज्वाइंट बी की बात करें तो यहाँ पे अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 1 है सर। जीरो। 1 1 बी सही है ना, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन तो आएगी ना यहाँ पे, हाँ रोटेशन वो सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी मगर रोटेशन तो आएगी ना यहाँ पे जो थीटा बी आ रहा है, ये अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस। फिर सी पॉइंट पे आपके पास जो थर्ड पॉइंट है उधर अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने है? 2 है। क्योंकि ये आपके पास एक तो वर्टिकल ये डिफ्लेक्ट भी हो सकता है और दूसरा यहाँ पे आपके पास एक रोटेशन भी आ सकती है, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है ना। तो आपके पास इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपके पास। तो जब भी आपके पास पिन या रोलर होता है तो उसमें आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो होती है रोटेशन। अगर फिक्स एंड हो तो आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशन डिफ्लेक्शन। अगर हम फिक्स सॉरी फ्री एंड की बात करते हैं, और अगर फिक्स होती है तो कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 0। हमेशा याद रखना यहाँ पे आपके पास ना रोटेशन आता है ना डिफ्लेक्शन आता है फिक्स पे, सही है ना। तो पिन और रोलर पे आपने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 1 होता है थीटा। 1 होता है ना। और आपके पास फ्री एंड पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, दोनों आते हैं, और फिक्स एंड पे कोई भी नहीं आता। यहाँ तक आके समझ? यस सर। यस सर। हाँ तो इसमें टोटल काइनेटिक इंटरमीडिएट्स इसकी कितनी आ गई है स्ट्रक्चर की? 4 और इसके हमारे पास 1 आई थी। अब हम इस फ्रेम की बात करते हैं तो इस फ्रेम में टोटल कितने नोड्स हैं? 4 1 4 2 5 3 एंड 4 4 सही है ना आपके पास। तो हम नोड ए, अगर ए पे जाते हैं तो कितने आपके पास अननोन डिग्री फ्रीडम है? 0 दोनों आएंगे यहाँ पे आपके पास, डेल्टा बी भी आएगा yes. और थीटा बी भी आएगा मोमेंट। सर ये तो होगा पिन आएगा ना, तो पिन में एक नहीं होता? नहीं ये आपके पास रीजन कनेक्शन था, ये तो जॉइंट है ना आपके पास, तो आपके पास जॉइंट पे तो दोनों चीजें आती हैं, डेल्टा भी आ सकता है और यहाँ पे थीटा भी आ सकता है। वो तो सपोर्ट तो ये होता है ना, ये यहाँ पे अगर मैं पिन लगा देता ये ना, वो आगे भी पढ़ेंगे इंटरनल हिंज का भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 आएंगे। और अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 यहाँ पे भी 2 आएंगे आपके पास। और डी पे कितने आएंगे? 0 0 आ जाएंगे। 0 तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 4 3 4 4 वैसे तो 4 है, 1 2 3 एंड 4, मगर हम लेते हैं इसको 3 है। उसकी वजह क्या आपके पास के अगर हम देखते हैं कि इस पर अगर ये फोर्स लगे तो ये इतना बी आगे मूव हो रहा है तो सी भी उतने आगे मूव होगा। यस सर। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल ये जो डेल्टा बी और डेल्टा सी ये इक्वल है। हाँ इस बात की आई समझ? ये आपके समझो आपके क्या कहते हैं एक टेबल है, तो एक टेबल को आपने यहाँ से पुश किया तो ये वाला टेबल जितना आगे पुश हुआ है तो ये भी उतनी आगे पुश होगा। यस yes, सर। इसका मतलब है कि डेल्टा बी और डेल्टा सी इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास टोटल अननोन कितने रह गए? हम 3 अननोन रह गया, सही है ना। ये डिपेंड करता है आपके पास कभी कभी एक डिफ्लेक्शन दूसरे की इक्वल होती है तो हम डायरेक्ट फिर उसको 1 भी ले सकते हैं।
सर अगर बी और सी के दरमियान कोई और कनेक्शन होता तो फिर तो हम दोनों को इक्वल नहीं ले सकते। हाँ फिर नहीं इक्वल ले सकते, मगर फिलहाल तो अभी क्योंकि एक ही रॉड है ना, तो एक तरफ से पुश किया तो जितना वो आगे वो उतना भी दूसरा वाला भी आगे होगा। सही ठीक है। तो इसमें किसी को काइनेटिक इंटरमेसी में किसी को समझ ना आई हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले ये जिसको समझ आ गई तो सवाल करना आसान हो जाएगा। आ गई समझ? जी सर आ गई। यस सर, यस सर आ गई। हाँ तो अगर हम इधर बात करते हैं इन इसमें रात के लिए काफी सर बहुत है हैं फिर भी है सर। मंडे रात के लिए काफी सर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या हो सकता है सर? बहुत है सर।